कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानियां, दूध 16 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया, कीमत 110 रुपए फी लीटर, शहरी इंतजामिया खामोश। कराची में हर तरफ गंदगी के अंबार, जिला मलिर की गलियों में कचरे के ढेर, जिला कोरंगी में सीवरेज का उबलता पानी, सड़कें और गलियां जोहड़ में तब्दील, इलाका मकीन घरों में महसूर, जिला जनूबी और जिला शर्की में भी गलासत ही गलासत। मेयर कराची शहर कायद की तबाही के जिम्मेदार करार, नाम ECL में डालने का मुतालबा, वसीम अख्तर को पकड़ा जाए तो बड़ा पैसा निकलेगा, वजीर आजम और वजीर आला से बात कर चुका, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, मुस्तफा कमाल। मेयर कराची की अगर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उन्होंने कराची शहर की खिदमत नहीं की है, वो सिर्फ अपना फोटो सेशन करते हैं या मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मुर्तजा वहाब भी मेयर कराची पर बरस पड़े, वसीम अख्तर किसी सूरत काम करने पर राजी नहीं, वो फोटो सेशन और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आवाम को टैक्स अदा करना चाहिए, मुशीर इफलास सिंध की अपील। के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को टेलीफोन, मसला कश्मीर बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। भारत की आबी जरहियत, बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा, कसूर के करीब दरियाए सतलुज में पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद, करीबी बस्तियां डूब गईं, लोगों की नकल मकानी, मिनशनाबाद में फसलें तबाह, जंग में 30 देहात जेरे आब। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, एहतसाब अदालत का मुलजिमान को 4 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चौधरी शुगर मिल्स केस की समाप्त के बाद हंगामा आराई, SP सिटी का जजेस गेट से आने वाले कारकुनों को गिरफ्तार करने का हुक्म, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर हम, कारकुनों को छुड़ाने के लिए पुलिस एहलकार से डंडा छीन लिया। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा, मेडिकल रिपोर्ट में 10 रोज के लिए मुकम्मल आराम की तजवीज। आमदन से जायद असासे बनाने का केस, आगा सिराज दुरानी और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश, तफ्तीशी अफसर की अदम मौजूदगी पर अदालत का इजहार बरहमी, समात 4 सितंबर तक मुलतवी। कराची में रेलवे कॉलोनी के करीब मकान से मियां बीवी की लाशें बरामद, शौहर ने पहले बीवी को कत्ल किया, बाद में खुदकुशी कर ली, पुलिस हुकाम का दावा। कराची में कम सिन रिहान के कत्ल का मामला, DG रेंजर सिंध का नोटिस, मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कराची के इलाके सदर जेबुनिसा स्ट्रीट पर नकबजनी, घड़ी मार्केट में 4 दुकानों का सफाया, CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त, गिरफ्तारी के लिए छापे। पेशावर के इलाके बडबेर में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन, 30 से ज्यादा दुकानें और केबिन मिसमार। डॉलर की कीमतों को फिर पर लग गए, इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान 11 पैसे मजीद महंगा, 158.70 रुपए पर पहुंच गया। लाहौर में मुल्की तारीख का पहला और मुनफरिद दुनिया एजु फेस्ट, मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की शिरकत, कुकिंग, बिजनेस प्लान, गेमिंग, शॉर्ट फिल्म और तकरीरी मुकाबले, कुरान अंदाजी के जरिए इनामात की भी भरमार।
वेलकम बैक। कराची से खबर आपको दें, जहां दूध की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 16 रुपए फी लीटर खुद साख्ता इजाफा सामने आया है। दूध की कीमत 110 रुपए लीटर कर दी गई है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने यह खुद साख्ता इजाफा किया है। दूध की कीमत में इजाफा हुआ, शहरी इंतजामिया खामोश है, कोई पूछने वाला नहीं। जिसके दिल में जो आ रहा है वो वही करने पर तुला है। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, जबकि इसमें खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया और 16 रुपए फी लीटर खुद साख्ता इजाफा किया गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमत अब 110 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है, तो आवाम जो कि पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, आवाम के लिए एक और मुश्किल आन पड़ी है। दूध की कीमत में इजाफा हो गया है, शहरी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमत में 16 रुपए फी लीटर खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। इसी पर मजीद तफसील जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज के नुमाइंदे तारिक गौरी। तारिक, बताइएगा इस खुद साख्ता इजाफे की आखिर वजह क्या है? जी, कराची में दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कोई 5-6 रुपए का इजाफा नहीं, पूरे 16 रुपए फी लीटर दूध की कीमत बढ़ा दी गई है। जो सरकारी कीमत है दूध की वो 94 रुपए लीटर थी, और जिसको बढ़ाकर अब जो है 110 रुपए लीटर कर दिया गया है। लेकिन इसका ऐलामिया जो है सरकारी सतह पर, यानी शहरी इंतजामिया कमिश्नर कराची की जानब से इस हवाले से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। ये डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानब से कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस वक्त हम एक मिल्क शॉप पर खड़े हैं और इनके ओनर से बात करते हैं, उनका क्या मौकफ है दूध की कीमतों में इजाफे के ऊपर। हम भी परेशान हैं, जब भैंस वालों ने बोला भी हम दूध ही नहीं देंगे इस भाव, 385 रुपये उन लोगों ने बढ़ा दिए। वो बोलते हैं जब हम दूध ही नहीं देंगे, किस तरीके से पैसे बढ़ाओ, नहीं तो दूध बंद करो। जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो दूध खरीद रहे हैं या तो गुस्से का इजहार करते हैं आपसे? खरीद रहे, कोई नहीं गुस्से का इजहार कर रहे। वो बोलते हर चीज़ बढ़ गई है, डबल रोटी बढ़ गई, कौन सी चीज़ नहीं बढ़ी, हर चीज़ बढ़ गई। कराची में जितना भी हमने सर्वे किया, तकरीबन दुकानों पर, यानी कि अंदाज़ा कर ले कि 98% दुकानों पर दूध की कीमत जो है आज से 110 रुपए कर दी गई है। अभी आपको बताएं कि मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मेयर कराची ने 3 साल के दौरान कराची की कोई खिदमत नहीं की है। मेयर सिर्फ अपना फोटो सेशन करते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मेयर एक सरकारी ओहदे पर रियासत के साथ मुंसलिक है, वो सिविल नाफरमानी के लिए कैसे लोगों को इनक्रेज कर सकता है? मैं समझता हूँ उन्होंने गलत चीज़ की है, कंडेमेबल है, और मैंने कल भी इसको कंडेम किया था, मैं आज भी कंडेम करता हूँ कि हम अपने सियासी मकासद के लिए आवाम को गलत मैसेज कभी भी नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ टैक्स आवाम को पे करना चाहिए, आवाम टैक्स पे करेगी, रियासत आवाम की खिदमत कर पाएगी। मेयर कराची की अगर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उन्होंने कराची शहर की खिदमत नहीं की है। वो सिर्फ अपना फोटो सेशन करते हैं या मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वज़ीर आला आइनी सरबराह सिंध हुकूमत के ये इख्तियार उनको आइन पाकिस्तान देते हैं, और आइन पाकिस्तान के तहत वज़ीर आला सिंध अपने तमाम इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि मेयर के हवाले से ही पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में गंदगी और मसाइल का जिम्मेदार मेयर वसीम अख्तर को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वसीम अख्तर से हिसाब लिया जाए, बहुत से पैसे निकलेंगे, नाम ECL में डाला जाए, ये मुल्क से भाग गए तो वापस नहीं आएंगे। मुस्तफ़ा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिटी गवर्नमेंट का जो बदबख्त मेयर है वो उस बदकार से बात करना ही बेकार है। उसके लिए मेरी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, इसलिए कि जो इसने शहर के साथ कर दिया है इसको भागना नहीं चाहिए यहाँ से, इसको फरार होने का रास्ता नहीं देना चाहिए। मेयर के टेन्योर में ही चला जाएगा किसी ना किसी बहाने से वापस विजिट पे, और ये वापस नहीं आएगा। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर इसे लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। अभी की तबाही बर्बादी का सारे का सारा सारी की सारी जिम्मेदारी सिटी गवर्नमेंट और मेयर के ऊपर आयद होती है कि नालों का 100% कंट्रोल मेयर के पास है। साब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया।
अदालत का मुलजिमान को 4 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म सामने आया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की आज समाअत हुई है। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का मजीद 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। अदालत ने मुलजिमान को 4 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है और नैब हुकाम की जानिब से मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी, लेकिन 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है एहतसाब अदालत ने। तो एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स की आज समाअत हुई है। अदालत का मुलजिमान को 4 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म सामने आया है। और आपको बताएं कि नाब ने मरियम नवाज के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो एहतसाब अदालत में जमा करा दी है। नाब की तफ्तीशी रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में मरियम नवाज को मुंतकिल होने वाले शेयर्स की तफसीलात बताई गई हैं। 2008 में सैयद सैफ बिन जबर असदी की जानिब से 94,09,000 शेयर मुंतकिल हुए और आपको बताएं कि शेख जकाउद्दीन ने 20,21,000 आपको बताएं कि कुछ इस तरह से शेयर्स मुंतकिल हुए हैं। मरियम नवाज ने आपको बताएं नाब ने मरियम नवाज के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। नाब ने तफ्तीशी रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने आपको बताएं कि ये रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक बताएगा मजीद क्या बात सामने है रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चौधरी शुगर मिल केस में सबसे पहले तो मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीफ की गई है। दोबारा भी इन्हें 4 सितंबर को पेश किया जाएगा। नायब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला वान की जानिब से मुलजमान से अब तक की गई तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है, जिसमें ये कहा गया है कि मरियम नवाज को साल 2008 में सईद सैफ बिन जबर असद की जानिब से 94,09,000 के शेयर मुंतकिल हुए। शेख जकाउद्दीन ने 20,21,767 के शेयर मुंतकिल किए। इसी तरह से साल 2010 में मरियम सफदर ने यूसुफ अब्बास को 70,00,000 के शेयर मुंतकिल किए, जबकि यूसुफ अब्बास को 2013 में बिरोने मुल्क से 13 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की गई। यूसुफ अब्बास को ये रकम 5 ट्रांजेक्शन के जरिए एक ही बैंक से मुंतकिल की गई थी। तो ये तफ्तीश की जो इब्तदाई रिपोर्ट थी वो आज अदालत में जमा करवा दी गई। ताहम अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को के जिस्मानी रिमांड में 4 सितंबर तक तौसीक करते हुए आइंदा समाअत पर नैब से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। बिल्कुल ठीक है, दोबारा रिपोर्ट तलब की गई है। अशफाक बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी से जुड़ी खबर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा आराई हुई। एसपी सिटी का जजेस गेट से आने वाले कारकुनान को गिरफ्तार करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कारकुनान को छुड़ाने के लिए पुलिस से डंडा छीन लिया। तो आपको बताएं कि अदालत के बाहर के मनाजिर है जहां पर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर बाहर हमने देखा कि हंगामा आराई हुई और एसपी सिटी ने कारकुनान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गुस्से में आ गए, बरहम हो गए और कारकुनान को छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस का डंडा ही थाम लिया, वहां से उनका डंडा छीन लिया गया और साथ ही साथ हमने देखा कि दोनों जानिब से हंगामा आराई के मनाजिर सामने आए। अभी आपको अहम खबर दें कि लीगी हुकूमत के आखिरी साल पावर डिवीजन में अरबों रुपए की बेजाबकियां सामने आई हैं। दुनिया न्यूज ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में 3,841 अरब रुपए की बेजाबकियां हुई हैं। वसूलियों और जायद अदायगियों से मुल्की खजाने को 2,210 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तफसीलात जान लेंगे अलीम मलिक से। अलीम बताइएगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में मजीद क्या सामने आया? जी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है 2018-19, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि जो लीगी दौर हुकूमत है उसके आखिरी साल में पावर डिवीजन में सिर्फ एक साल में 3,841 अरब रुपए से ज्यादा की बेजाबतियां हुई हैं। इसमें फ्राड, सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और कवायद जवाबत की खिलाफ वर्जी से नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जो वसूलियां हैं और ज्यादा अदायगियों के जो आलमी अदालती मामलात हैं उनसे कौमी खजाने को तकरीबन 2,210 अरब से ज्यादा का चूना लगाया गया है। इसके अलावा जो इदारों की बड़ इंतजामिया है उसकी वजह से एक ही साल में तकरीबन 321 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, जबकि जो मुख्तलिफ कंपनी में हादसात हैं और गफलत है उसकी वजह से खजाने को तकरीबन 327 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ऑडिट हुकाम ने यह भी सिफारिश की है, उनकी सिफारिशात भी आई हैं कि जो बद इंतजामिया है उसकी वजह से बहुत ज्यादा कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए इकदाम करे और जो गर्दिशी कर्जा है जो लगातार बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक रिकवरी प्लान तैयार किया जाए ताकि गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा ये भी सिफारिश की गई है कि जो ये बेजाबतियां हो रही हैं इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन के लिए अंदरूनी कंट्रोल जो है वो बेहतर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम, आपने अपडेट किया।